This program is sponsored by Pite NCR College. Co-sponsored by Beauty Optics Ramlal Chowk Panipat. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मंदी को देखते हुए लिया गया फैसला, अब रविवार को भी खुलेंगे बाजार। डीसी बोले दिवाली तक दी गई है अनुमति। यमुना की तलहटी में बसे गांव हतवाला में पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर मिला प्लास्टिक के कट्टे में नवजात शिशु, पुलिस ने दर्ज किया केस। कोरोना को हराकर ड्यूटी पर लौटे नगर निगम के एक्सिन प्रदीप कल्याण। जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालबत्ती चौराहे के पास स्थित कांग्रेस भवन में हुए इकट्ठा। हाथरस में युवती की बेरहमी से हत्या पर प्रकट किया मौन विरोध। नगर निगम की टीम ने पकड़े 10 बेसहारा गोवंश। नैन गांव स्थित गो अभ्यारण्य में भेजा गया गोवंशों को। चिट्ठी डालकर बाबरपुर के आरती से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपितों को 1 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने धान की खरीद को लेकर पानीपत व बाबरपुर की मंडी का किया औचक निरीक्षण। डीसी ने एमएसपी पर खरीद के दिए निर्देश। अग्रसेन चौक के पास ट्रक चालक ने मारी ब्रेक तो बाइक टकराई, युवक को गंभीर चोट लगने से हुई मौत। सिविल अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक व रेडियोलॉजी ब्लॉक में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर आउटसोर्सिंग नोडल अधिकारी भड़के, गार्ड्स को बुलाकर लगाई फटकार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।